और छोटे कैसा है? बहुत दिनों के बाद आया। तो अभी होना होगा। अरे भाईजान दीदी, मेरे को आप लोगों से इम्पोर्टेंट बात करना है। तू कब से इम्पोर्टेंट बात कर रहा है क्या? अरे मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है भाई, जरा सुनो तो सही। मौत का सवाल? क्या बीमारी हो गई? इसको सर्दी खांसी भी हुई ना, ओवर कर देता है ने। अरे सर्दी खांसी का मलेरिया हुआ, मैं गया यार मुझका लवेरिया हुआ। बैगन में मिल गए तुम। मलेरिया होता तो उसका इलाज था, लेकिन लवेरिया का कोई इलाज नहीं है। ऐसा सुना, मैं एक्सपीरियंस तो नहीं करा मामा कभी। शाहरुख, आपको मेरे से लवेरिया नहीं हुआ? लवेरिया तो नहीं हुआ, मलेरिया हुआ था एक बार। टोली चौकी जाके आए थे, मेरे को भी लगाए थे, फिर वो खाना खा के तुम्हारा डायरिया हुआ। लवेरिया तो नहीं हुआ। अरे आप दोनों की लव स्टोरी हो गई ना, अब मेरी शुरू करना है। बच्ची कौन है बोल? अरे है मेरी एक दोस्त, उसे भी कुछ सडन एक सीरियस वाला लव हो गया मालूम। अब डिसाइड कर लिया दीदी, मैं शादी करूंगा ना तो सच करूंगा। तुम गौर करे, इन्हें हर विंटर में बोलता, देखो नवंबर दिसंबर में शादी का उठता। देखो हर थोड़े दिन को किससे तो भी शादी करना रहता क्या? नहीं दीदी, ऐसा थोड़ा चीजा ना मेरे साथ पहली बार हुआ है, बोल क्या रहता नहीं वैसा हो रहा मेरे को। जरा बोल भाई चीजा, क्या है? सुनो भाई जान, कल रात को सोने गया मैं रूम में 9 बजे। 9 बजे सो जाता तू? हाँ, डैड स्कूल से वो याद आता है 9 बजे सोने की। अबा? फिर याद आया मैं दूध पीना भूल गया, विच इज स्ट्रेंज, स्कूल से आता था मेरे को, फिर गया दूध पी के आके लेट गया। फिर याद आया ब्रश करना भूल गया, विच इज स्ट्रेंज, स्कूल से आता था मेरे को। फिर मेरे को याद आया आज थर्सडे, मैं बालों को ऑयल लेने लगा, जुम्मे को नहाना रहता ना। अरे विच इज स्ट्रेंज बिकॉज स्कूल से आता था। फिर तेल लगा के जाके लेट गया। फिर याद आया मेरे को कल जो कपड़े पहनना है उसको स्तरी से करा, विच इज स्ट्रेंज, क्योंकि स्कूल से आते थे मेरे को। खैर स्तरी करके जाके लेटा, फिर याद आया मेरे को सोने की दुआ नहीं पड़ा, विच इज स्ट्रेंज, स्कूल से आते थे। उसके बाद सो गया, बोल दे प्लीज। नहीं, नींद इसने लगी, विच इज स्ट्रेंज, क्योंकि स्कूल से आते थे मेरे को, ऐसा लेटते की सो जाता हूँ। फिर मैं ख्वाब में किसको देख रहा हूँ मालूम? उसको। तू सोया नहीं तो ख्वाब कैसा देख रहा? भाईजान जिनके ख्वाब पूरे नहीं होते ना, उसको नींद नहीं आती जब तक पूरे नहीं कर लेता ख्वाब। अबा डीप लाइंस तो बोल रहा है ने, लेकिन फिर भी मामा ट्रू लव नहीं बोल सकते, अलग रहता हो। अरे भाईजान ऐसा सुबह उठा नाश्ता करो, ऐसा गोल गोल रोटी में उसकी सूरत पहला ख्याल सुबह का, फिर ऐसा फ्रिज खोला पानी लेने का से बॉटल में उसकी सूरत, ऐसा जिम को जा रहा हूँ मैं रस्ते में से ऑटो टकरा, ऑटो को जला रहे उन्हें, फिर जब उन्हें मुंडी निकाल के गुटखा थूका तो मेरे को दिखा, अरे वो तो आदमी है। छोटे इतना पसंद कर लिया, वाह सीखो कुछ मेरे छोटे भाई से। मैं जब से आप लोगों से बात करो नहीं, मेरे को भाईजान की सूरत में उलझ दिख रही। I am in love. ठीक? अरे जल्दी शादी करा यार इसकी। भाईजान प्लीज हेल्प मी। ठीक है रे भाई, तेरा ट्रू लव है अभी भी मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन मेरे पास एक टेस्ट है, उससे मालूम हो जाता तेरा ट्रू लव है या नहीं। अब इससे बड़ा टेस्ट क्या होगा शाहरुख, हर जगह उसकी सूरत दिख रही इसको, ऑटो वाले में, रोटी में। आपको कभी दिखी मेरी सूरत रोटी में? तुम गोल रोटियां डाले, बिरयानी मंगाओ तुम। कैको। अरे दीदी जो भाईजान बोले वो सुनो ना, कैको करते रहते, इंडियन तो उनकी सुनते। बड़ी वेस्ट है बोलना, मैं सीख लिया शादी का, तू भी सीख लेता, नहीं सुनते अभी क्या? नहीं। अरे भाईजान सुनो। अब जो मैं बोल रहा हूँ उसको गौर से सुनो, पहले सब्सक्राइब करो उसके बाद ही घंटा दबाओ। भाईजान मैं डिसाइड तो कर लिया शादी करूंगा बल्कि, लेकिन मैं जब भी कोई दोस्त को पूछ लो ना, दोस्ता डरा दे रहे मालूम, अरे शादी कर लेता तो तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती, ऐसा हो जाता वैसा हो जाता, बहुत डीमोटिवेट कर दे रहे। तो मैं सोचा आप ही मेरे को मोटिवेट कर सकते, कुछ अच्छी चीजें नहीं रहते शादी के? शादी के बहुत फायदे है रे, शादी करते ही सबसे पहले तो आदमी जिम्मेदार हो जाता। और तेरे को तो बहुत जरूरत है उसकी, मॉम हफ्ते में एक बार तो भी बोलते मालूम, फोन पे कुछ भी नहीं कर रहा है, इन्हें समझाओ इसको बोल के। कुछ तो भी कर लो, कब तक मेरा बैंक अकाउंट यूज करेंगे तुम? अब उसका कार्ड डिक्लाइन करो, आप इसको खुद का कुछ करने दो। नहीं नहीं भाईजान मैसे जॉब नहीं होता, करके देख लिया मैं वो। तो फिर देखो जो पसंद है वो कर, जिम खोल ले। पैसे अपने चिच्चा देते। अपने चिच्चा तो नहीं देते, डैड से पूछ। डैड ऐसा खुला बोल दिया भाईजान, जो करना है खुद से कर लो, एक रुपया नहीं देता, मेरे पे बहुत पैसे वेस्ट कर दिए गए थे। अच्छा खुद से कर लो बोले तो जीरो इन्वेस्टमेंट वालो। अरे है मामा एक आइडिया, ऑटो कुत्ते पे ले ले, रोज का वो डेली का 500 रहता दे देना, ऊपर जितने भी सवारियां तुम्हारा तेरे रहते, और इनको भी लेके चले आ सकता, पतले पतले गलियों में लेके जाते शॉपिंग को, तू भी सुकून मैं भी सुकून में, हाँ चल ले इसके साथ। शुरू हो गए देख तेरे भाईजान के मजाक, देखो जिंदगी में सीरियस नहीं ले सकते छोटे इनू। नहीं नहीं प्रैक्टिकली भाईजान आपका आइडिया बहुत सही है, लेकिन मैं ऑटो नहीं चला सकता, मेरे को वो ऑटो का फोबिया है। ऑटो चलाने का फोबिया कैसा हुआ?
दीदी आपको याद है भाईजान हम ना छोटे रहने जब स्कूल को ऑटो में जाते थे तो एक बार हम ऑटो में जा रहे तो दीदी क्या बने मालूम जरा जल्दी चलाओ ना भाई बच्चे पैदल लोग आपसे जल्दी चला रहे बोलते ऑटो वाले के ईगो पे बात आ गई फिर ऐसा उन्हें भगारा खटा मारा ये लुढ़क गया ने ऐसा लुढ़क गया भाईजान ऑटो पूरे आदमी आ गए एक आदमी आके मेरे को उठाया बोलो ना उस तारीख से मैं ऑटो में नहीं गया बस मैं चाहता था मैं स्कूल को हाँ उसके बाद से मैं अकेले जाती थी ऑटो में जाते वक्त सोना आते वक्त सोना मस्त लाइफ छोटे तो तू ऑटो नहीं चलाता बोल क्या करेंगे छोटे तेरे को कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ क्या अंदर से कुछ करना है बोल के तेरे कोई ड्रीम्स होप्स ऐसा कुछ नहीं है है दीदी मेरे दो ड्रीम्स है दो सपने तो एक भी रियलिटी कहीं को नहीं हुई हाँ छोटे बोल क्या है तेरा सपना लेट्स डू इट मेरा पहला सपना कि मैं एस्ट्रोनॉट बनूं चांद पे जाना है मेरे को तेलंगाना से नहीं को पहला आदमी भाईजान जो चांद पे जा रहा सो बड़ी ये सपना ही रहता है एस्ट्रोनॉट का देखेंगे बाद में एग्रीड तो दूसरा सपना क्या है दूसरा सपना नहीं आवे को आज अब बोलता हूं भाईजान आप शादी की एक ही अच्छी चीज बोले और क्या है दूसरे भी बोलो ना अरे ये पॉइंट अपने लिए बहुत जबरदस्त है अक्सर अगर कुछ भी अपनी चीज गुम गए जैसे कि कार कीज वॉलेट नहीं मिलती टीवी रिमोट नहीं मिलता अपने को ढूंढने की जरूरत नहीं रहती शादी के बाद खाली एक बार बीवी से पूछ लेना दो सेकंड में मिल जाती टेस्टिंग बताऊं जैनब मेरी कार की चाबी नहीं मिल रही जरा हाँ नहीं नहीं अभी ना खो दे थोड़ी देर से नहीं कर रहा हूँ अरे मेरे लिए तो परफेक्ट है मैं डेली भूलता रहता हूँ भाई चाबी फोन वोन किधर रखा है मुझे मालूम नहीं रहता अब तो मॉम भी बोलती है भाई जान मैंने ढूंढी तू ढूंढ ले बोल के कभी बीवियां भी बोलते हैं ऐसा एक दिन ढूंढ के छोड़ देते लेकिन उसका भी पैंतरा है मेरे पास अब देख दो दिन से मेरे एयरपोर्ट नहीं मिल रहे मेरे को बीवियों के पास शर्लॉक होम मोड रहता वो ऑन करने का तरीका बताता हूँ जैनब वो मेरे एयरपोर्ट नहीं मिले नहीं मिले दो दिन से ढूंढ रही हूँ कार रख दिए क्या हाँ ठीक है काम करो मैं ऑर्डर कर दूँ अच्छा इस बोले इतने महंगे हैं वो ठहरो मैं ढूंढती हूँ लास्ट कब देखी मैं इनके एयरपोर्ट्स हाँ परसों है जो जिम जाते वक्त मंडे को चार्ज पे से निकाल के इन एयरपोर्ट्स लेके गए चार्ज का खटका खुलना नहीं है मतलब इन्होंने चार्ज पे तो लगाया पर खटका खुलना भूल गए तो मतलब एयरपोर्ट्स चार्ज नहीं हुए जिसका मतलब इन्होंने यूज ही नहीं करे एयरपोर्ट्स तो इन्हों कार में बैठे होकर नोटिस करे होंगे कि एयरपोर्ट्स तो चार्ज ही नहीं है तो इमीडिएट कार के चार्जर को लगाए होंगे और फिर दो दिन से तो इन्होंने घर में से निकले ही नहीं होना कते ये लो मिल गए कहाँ थे कार में थे और आइंदा से मैं नहीं ढूंढूंगी पहले बोल दे रहे ढूंढी ऐसे फैसिलिटीज रहते रहे भाई शादी के बाद समझ रहा ना और ऐसे खर्चा बचाने वाली बीवी रहे ना अपनी फुल सेविंग्स होती ना तो अपन कैसे है बॉयज बेकारी का खर्चा करते रहते सही बोले भाई जान मैं तो हाथ छोड़ के खर्चा करता हूँ पैसे मेरे अकाउंट से ना खैर और एक जबरदस्त पॉइंट बोलता हूँ तेरे को मोटिवेट करना बहुत जरूरी है शादी का अक्सर क्या है मालूम आदमिया मैन प्रॉब्लम्स किसको सुनाते किसको भी नहीं दिल में रख लेते लेकिन अच्छी बीवी रही ना सब प्रॉब्लम सुना सकते सही बोले भाई साहब ऐसे बहुत सारे मसले मसाले हैं जो मैं दोस्तों से शेयर नहीं कर सकते और घर वालों से तो हर चीज नहीं एग्जैक्टली बीवी को सुना सकते हैं बीवी सुनती भाई जान मेरे को भी कोई होना मालूम जो सब पर से मेरे प्रॉब्लम सुने मेरे को कोई सुनाने वाली होना भाई जान आप सुनते क्या पागल हो गया क्या चल क्रिकेट देखेंगे क्या हो रहा है कहीं ऐसा देख रहा हूँ भाईजान आपकी सूरत में मेरे को बात करेगी जो दिख रही भाईजान अरे भाई तेरी शादी कराना जरूरी है और एक पॉइंट अच्छा पॉइंट दे रहा हूँ लिख ले अब यही रूम ले ले तू बैचलर डेज में अपना टीवी रूम कैसा रहता था घुड़ पड़ा हुआ हुके का पॉट ये कचरा वचरा पड़ा हुआ हफ्तों तक बीवी रही ना सेट बोल के आधे घंटे में साफ भाईजान पूरा खड़बड़ा पड़े हुआ रहता भाई पूरा तितर बितर पूरे कपड़े 10 दिन से कपड़े अब तक खाली पलंग पे पड़े हुए मैं उस पर भी सो जा रहा हूँ अब वो रूम शादी के बाद ही साफ होता हो तुम लोगों को भूख लग रही क्या कुछ होना तो बोलो मैं खाना पका देती हूँ आजकल पकाने वाली बीवी मिलना भी एक लॉटरी के बराबर है कोई भी ना पका रहे आजकल मालूम मैं समझता था भाईजान दीदी लकी है लेकिन यहाँ तो उल्टा है आप लकी है हाँ फिर इन्हों से लकी क्या हुआ भाई दोनों बराबर रहते मियाँ प्रोवाइडर रहता उसको जॉब की टेंशन रहती सैलरी की टेंशन रहती घर के खर्चों की टेंशन रहती अरे हमेशा स्ट्रेस में रहता भाई अच्छा आप जब स्ट्रेस में रहते तो मैं आपकी एक्स्ट्रा केयर नहीं करती हूँ करते क्योंकि तुम अच्छे बीवी है वही तो बोलो अच्छी बीवी मिलना भी बहुत बड़ी नेमत है भाई कल इस रील्स पे एक शेर सुना सुन तुम नको सुनो चढ़े आते जिसको अच्छी बीवी मिली उससे दौलतमंद इंसान कोई नहीं है कहते
वाह 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 भाईजान, मैं जल्दी शादी करके दौलतमंद हो जाता भाईजान, अच्छी बीवी से शादी कर ले तो भाईजान। शेर के साथ एक रैप की लाइन भी बोलता हूँ, वो भी सुन ले। I got bills, मर्द के अलग होते फायदे, अगर कमाते नहीं तो मर्द हो तुम काई के। भाईजान आप और आपके मजाक कहाँ गए? मैं भी वही सोच रहा हूँ। तू बोला ना रे भाई, जोगा बहुत सुन लिया, कुछ अच्छा ही सुनना है शादी की, ये चे अच्छा ही रियलिटी। बस अब मर्दान की भी बात आ गई, अब मैं अच्छी जॉब ढूंढता हूँ, फिर उसके बाद तो ऐसे शादी, एंड दे लिव हैप्पीली एवर आफ्टर। हैप्पीली एवर आफ्टर कैसा बोल सकता तू? बीवी अच्छी रहना पड़ता रे, किस्मत की बात है ना, तो क्या होता मालूम, शी लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर हो जाता। वैसा तो सेम हमारे पे भी अप्लाई होता, अगर हस्बैंड अच्छा नहीं रहा तो ही लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर हो जाता। अग्री। आ गया तेरा ट्रू लव टेस्ट किट, बिरयानी। बिरयानी भाईजान खा लूं? खाओ यार, तुम्हारे वास्ते तो मंगाए। आप ना नहीं खा रहे? अरे हमारा छोड़ भाई, ये तेरा ट्रू लव टेस्ट है। अब तू जैसा आज जब से बोल रहा, देख ऑटो वाले में उस जोया की सूरत, भाईजानी में जोया की सूरत, जहां देख रहा उसकी सूरत दिख रही। अगर तू बिरयानी खाते वक्त उसका एक भी ख्याल आया ना, जब मैं मान लेता हूँ वो है ट्रू लव। अरे क्या है कि भाईजान आपका खा रहा हूँ। शादवानी अपनी है जबरदस्त है। अरे अपना भी दे दो भाई, मेरी बिरयानी को नजर लगाते हैं। दीदी देखो देख रहे हो से बड़े बड़े बोटियों को नजर से तेरा। वाह मजा आ गया। छोटे आया ख्याल? किसका ख्याल? जिससे तेरे को प्यार हुआ। नहीं आया। आए ले जा, नहीं है ट्रू लव। अरे ट्रू लव वो है जो बिरयानी खाते हुए भी उसका ख्याल आना। शिट सही में भाईजान, मैं समझा ये वाला रियल है। शाहरुख आप भी करे थे ये बिरयानी टेस्ट? हाँ, और तुम ही आ रहे थे बिरयानी खाते वक्त, और बाद में मेरे को मालूम हुआ वो लास्ट नाइट शादी से ऐसो बासी बिरयानी थी। सीरियसली? तुम नहीं समझे, बासी बिरयानी सबसे मजे की रहती। भाईजान डकारा थी कि याद आई मेरे को उसकी, सही बोल रहा हूँ। हजम हो गए ना बिरयानी इसलिए। चलो यार अपन खा लेने। चलो अच्छा वाले वाह प्यार मेरे को, तो काम करना पड़ता था। लाइफ टाइम सिंगल है ना, चलो अपन बिरयानी खा लेंगे भाईजान।